किरण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो बहुत सारे कैश स्टॉक्स जो सब 200 लेवल पे हैं अच्छी तरीके से पकड़ते हैं। किरण जी, अगर आपके पास V2 रिटेल का चार्ट हो तो कोई आप इस पे अपनी राय दें। बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून शेयर जी। ये जो काउंटर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर देखने को मिल रहा है। अगर इसने एक अच्छा हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट लेवल है 120-118 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और पोजिशनली मैं मानता हूँ कि जैसे गावा साहब ने कहा 140 ये पहला पड़ाव रहेगा, इधर रुकने का नाम नहीं लेने वाला, क्योंकि जो पैटर्न है उसका पहला टारगेट आता है करीबन 157 का, तो 140 और 157 ये टारगेट मान के चलने चाहिए। चलिए बाजार पर राय लेते हैं। ये तो हमने पहला जो स्टॉक था उस पर ध्यान दिया क्योंकि यहाँ पर एक आपको अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक्स या पहले इंडेक्स पर व्यू ले लेते हैं। किरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरण जी, लगातार दूसरे दिन आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक लाल निशान दिख रहा है, लगभग 12200 का लेवल आपके सामने फ्यूचर्स में निफ्टी पे है और कैश में ये 12200 के नीचे जा चुका है। किस हिसाब से आप राय रखते हैं निफ्टी पर? कैश लेवल्स के लेवल्स देखने चाहिए। मेरा मानना है कि जब तक ये 12,200 के नीचे तब तक थोड़ी मंदीरियों का साथ स्ट्रॉन्ग है ऐसा मान के चलना चाहिए। नीचे में हमें थोड़ा सा डिमांड देखने को मिल रहा है पर वो कोई कन्विंसिंग नहीं है। आज की क्लोजिंग अगर 12,200 के नीचे होती है तो मेरा मानना है कि ये सिर्फ कल का इतना बड़ा गिरावट के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन होता नजर आ रहा है, पर ये लीड करेगा और एक बड़े फॉल के लिए। तो मेरा मानना है कि बहुत जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, अभी थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। आज के अगर लोज जो कि करीबन 12,170 के करीब आते हैं वो अगर वापस एक बार सेकेंड हाफ में अगर वॉयलेट होता है तो बिल्कुल इधर से और 40-50 पॉइंट की बिकवाली आज ही देखने मिलेगी। कल भी मेरा थोड़ा सा व्यू बेरिश ही था, आज भी मैं माइल्डली बेरिश हूं, पर एग्रेसिव बेरिश आज के लोज टूटते ही आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हमें देखने को मिल रहे हैं और बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में मेरा मानना है कि हम 31,000 के नीचे ट्रेड करें ये भी एक बहुत अच्छी बात नहीं है। कल हमने 31,400 के करीब कहा था कि 3100 के टारगेट देखने को मिलेंगे और उसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसे ही हम थोड़ा और वक्त गुजारते हैं और ये लेवल्स आज के लोज वायलेट करते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट जो आता है वो बहुत दूर है, 30,500 के करीब है, तो इधर से और 400 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो मेरा मानना है कि जब तक एक अच्छा प्राइस पैटर्न नहीं आता तब तक थोड़ा सा कॉशियसली आपको ट्रेड करने की ही सलाह। किरण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किरण जी, जिस हिसाब से आप कैनफिन होम्स रेपको में और अन्य पीएनबी और जो स्टॉक्स हैं इस हाउसिंग सेक्टर में वहां पर आप रैली देख रहे हैं, कुछ राय आपकी पीएनबी हाउसिंग पर बन रही हो? पीएनबी हाउसिंग में स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आज के वॉल्यूम्स ही बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो लॉन्ग पोजीशंस है वो स्टॉप लॉस रखिए करीबन 538 का, 547 पे ट्रेड कर रहा है और आपको पोजिशनली ये टारगेट करीबन 585-587 ये टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। किरण जी भी आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं, सीमेंट पे आपकी बहुत अच्छी राय रहती है, कोई सीमेंट एंसिलरी स्टॉक पर आप राय दे पाए एआईए इंजीनियरिंग? बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस स्टॉक ने दिलाया है और इसका जो कंसोलिडेशन है पिछले 3 साल का है, तो ये ब्रेकआउट मामूली नहीं होगा जब ये स्टॉक लेवल ऑफ 1840 क्रॉस करेगा। अभी 1765 है पर इधर से 1840 का पहला पड़ाव रहेगा, मेरा मानना है कि ये एक बार निकल जाए तो एक नए दायरे में चला जाएगा, ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी जिसको कहते हैं, नो रेजिस्टेंस जोन, और फिर टारगेट्स मेरा मानना है कि 2200-2300 के देखने को मिल जाने चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम वॉल्यूम्स भी देखते हैं तो वॉल्यूम्स वापस एक बार पिकअप होते नजर आ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही बढ़िया बाय है मीडियम टर्म आउटलुक से, तो आपको 3-6 महीने का आउटलुक रखना चाहिए, लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए, 1760 के आसपास बाय करके चलना चाहिए, 1680 का आपका स्टॉप लॉस होगा। और केआई इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखिए आप 3% का उछाल अभी भी देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ दिनों से अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक ने पकड़ा है। किरण, एक बार क्विकली चार्ट चेक दे दें केआई का, फंडामेंटली तो शर्मिला कह ही रही है नंबर्स बहुत अच्छे थे। देखिए, इसमें नेक्स्ट मोमेंटम जो आएगा वो 550 के ऊपर ही आएगा, रिजल्ट्स डिस्काउंटेड है इसके लिए, ये स्टॉक बहुत अच्छा भागा था,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इधर से इमीडिएट ऊपर नहीं जाएगा, पर इधर नीचे भी नहीं जाएगा, तो इमीडिएटली मोमेंट देखने को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि न्यूज के पहले की मूव आ चुकी है, पर इधर जो कंसोलिडेशन है इसमें एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। आपको 510 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और करंट लेवल से 550 के बीच में आपको एक्यूमुलेट करना है। जब 550 क्रॉस करेगा तब इसमें नई मोमेंटम आएगी और फिर टारगेट्स आपको इधर से और एक 70-80 रुपए के देखने को मिलेंगे। जी चलिए, ये राय आपको मिल रही है के आई ई इंडस्ट्रीज पर, नतीजे इनके अच्छे थे और कई ऐसे स्टॉक्स जो फिलहाल रैली कर रहे हैं और हम लोग नहीं पकड़ पा रहे स्क्रीन पे, वो आपको टिकर पे आते हुए दिख रहे हैं। जेएसपीएल 9 महीने की ऊंचाई पर, दूसरे दिन लगातार तेजी, लगभग 3.25% ऊपर, 184.85 रुपये कैश मार्केट्स पर। किरण जी, आपका बड़ा पसंदीदा काउंटर रहा है हमेशा जेएसपीएल, बताइए क्या राय रखते हैं? बिल्कुल, मुझे मालूम ही था आप मेरे मुझे पूछेंगे। ये बहुत ही शानदार ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। बिल्कुल 180 का सेल जी, इसने बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन बैरियर क्रॉस किया आज बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो मेरा मानना है कि बिल्कुल 189 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन पोजिशनली रखने चाहिए। जो नेक्स्ट टारगेट अभी देखने को मिल रहा है वो है 190, जो कि नेक्स्ट बैरियर है, पर मेरा मानना है कि ये बैरियर भी टूटता नजर आएगा और आपको इवेंचुअली यानी 1-1.5 हफ्ते के अंदर 205-207 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। तो बड़ी काफी बड़ी अपसाइड है, लिमिटेड डाउनसाइड है, बिल्कुल पोजिशनली ये लॉन्ग पोजिशन रख के चलना चाहिए। ओके अच्छा, इस बीच एक और स्टॉक, क्योंकि रिजल्ट्स की बात हुई, आज ग्रैन्यूल्स इंडिया के नंबर्स आने थे। कल हम लोग जब आखिरी सौदा में थे, ग्रैन्यूल्स को लेकर एक बुरी खबर आई थी कि इनके यूएस प्लांट पे यूएसएफडी की 3 ऑब्जर्वेशन सामने आई थी, तो स्टॉक ठंडा पड़ा था। मोमेंटम कल स्ट्रॉन्ग था नंबर्स से पहले, और आज नंबर्स आने के बाद देखिए जरा स्टॉक में वो प्रेशर धीरे धीरे करके माउंट होता हुआ नजर आ रहा है। किरण, चार्ट्स क्विकली बताएं ग्रैन्यूल्स इंडिया के, क्या कह रहे हैं? 2.5% की अब कमजोरी के साथ एट डेज लोस के आसपास स्टॉक आके खड़ा हुआ है। चार्ट पैटर्न अभी भी ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में। थोड़ी सी करेक्टिव रैली और बढ़ सकती है, 135-136 तक नीचे आ सकता है। आपके स्टॉप लॉसेस 132 पे रखना चाहिए, ऐड करना चाहिए नीचे में। चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है और मेरा मानना है कि ये एक बार जो ऑल टाइम हाईज है करीबन 145 के करीब, सॉरी 151 के करीब, वो एक बार क्रॉस करेगा तो इधर से एक बहुत बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। मल्टीपल टॉप बैरियर है और ये 2015 से चल रहा है, तो मेरा मानना है कि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है आपको इधर से 190-195 का 3 महीने के अंदर आपको टारगेट देखने को मिल जानी चाहिए। पर किरण, पहले चार्ट चेक, गजब का मूव स्टॉक में देखने को मिल रहा है आशीष जी। एग्जैक्टली 230 है, हो चुके हैं और मेरा ट्रेड है 230, भारतीय एयरटेल ही था। शायद आपकी और मेरी टेलीपैथी कुछ मैच कर जाती है, कल भी 2 बार ऐसा हुआ था। तो बिल्कुल भारतीय एयरटेल बाय करके चलना चाहिए। 510 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 520-524 कल तक टारगेट देखने को मिलेंगे। उनमें से एक है टाटा ग्लोबल। आशीष जी, इसको हम काफी समय से ट्रैक कर रहे हैं और एक हल्की सी गिरावट के बाद पिछले 4-1 दिनों में आपने इसमें दोबारा एक बाउंस बैक आता हुआ आपको दिख रहा है। किरण जी, आपको ये स्टॉक बहुत पसंद है, इनकी कॉफी और इनका शेयर, आप बताइए टाटा ग्लोबल के लिए क्या करना चाहिए? ये दूसरे दिन लगातार अब आपको चाल दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसमें एक खासियत और भी है कि इसने पॉजिटिव डायवर्जन दिया है, मार्केट नीचे जा रहा है और ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो मेरा मानना है कि इसको बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। आपका भी स्टॉप लॉस रहेगा 379 का, थोड़ा सा डीप डाउन है पर वही सही लेवल है, और अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है उसके लिए स्टॉप लॉस 385 का रहेगा। पोजिशनली टारगेट 400 के देखने को मिलेंगे, दो दिनों का वक्त देना चाहिए। चलिए, ये आपको राय टाटा ग्लोबल पर दिख रही है और चर्चा हो रही थी रिटेल स्टॉक्स की, और सुमित जी देखिए क्या बाहर आया है, शॉपर स्टॉप। देखिए इसका आप चार्ट दिखवाइए स्क्रीन पर, ऐसा ब्रेकआउट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि 200 डीएमए को आपने एक बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, वो आपके सामने रैली आती हुई दिख रही है। बात हो रही है शॉपर स्टॉप की, और ये देखिए, ये आपने 15 मिनट का चार्ट देखा। डायरेक्टर साहब, जरा आप इसको एक लंबी अवधि का चार्ट बनाइए लगभग 14 दिनों का, तो आज जो आपको ब्रेकआउट दिख रहा है 200 डीएमए के ऊपर, बहुत ही स्पीड के साथ ये स्टॉक ऊपर बढ़ा है। किरण जी, आप क्या राय रखेंगे शॉपर स्टॉप पर?
देखिए इसने एक बहुत अच्छा शॉर्ट टर्म पैटर्न बनाया है जिसको हम राउंडिंग बॉटम कहते हैं। एग्जैक्ट राउंडिंग बॉटम का पिक्चर है एंड ऑफ डे चार्ट्स पे, और उसका जो पहला टॉप था राउंडिंग बॉटम का वो था करीबन 430 का, वो इसने आज बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस किया है। कल का टॉप एग्जैक्टली 430 था, उधर से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा करेक्ट हुआ था, आज इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। मेरा मानना है कि ये जो पैटर्न है इसका टारगेट करीबन 510 का देखने को मिल जाना चाहिए, तो 510 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल बाय करें। आपका स्टॉप लॉस अभी के लिए 425 रहेगा। क्विकली किरण जी चार्ट चेक दे दीजिए कोटक महिंद्रा बैंक का। देखिए कोटक बैंक जो कल सेल ऑफ हो गया है उसके बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है और अभी एक अच्छे रेजिस्टेंस जो लेवल था उसको क्रॉस किया है, तो मेरा मानना है कि 16-12, 16-13 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसके हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मेरा मानना है कि बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस रखे, 16-08 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 16-21 पे ट्रेड कर रहा है, कल तक आपको 16-45, 16-50 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए 1645 टू 1650 के लेवल्स पर आप कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छा लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। कल बहुत जबरदस्त बिकवाली थी इसमें, मेरे ख्याल से 4.75% की गिरावट, बंद होते तो 4.5 हो गया था पूरा बिल्कुल, और वो इसलिए भी था क्योंकि आपने HDFC बैंक पर भी लाल निशान देखा जिनके नतीजे आए थे सैटरडे को, कोटक के आए थे मंडे को, और उस वजह से लगभग 700 पॉइंट की गिरावट आपने बैंक निफ्टी में ली थी। किरण जी थोड़े समय पहले आपने निफ्टी पे कॉल दी थी, जिस हिसाब से आपको कोटक में एक हल्का सा हरा निशान दिख रहा है, डॉक्टर साहब जरा HDFC बैंक दिखाइए, आज भी 1% गिरा हुआ है और किरण जी की इसमें बाय जोन है 1240 के आसपास। किरण जी मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल जी, तो अब आप बताइए 1243 के आसपास HDFC बैंक, कोटक में हरा निशान, तो आप बैंक निफ्टी पर क्या राय रखते हैं? सी बैंक निफ्टी में मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में 31,000 एम लेवल है, निफ्टी में 12,200 एम लेवल है, इसके अगर आप ऊपर क्लोज कर देंगे तो मेरा मानना है कि शॉर्ट स्ट्रैप हो चुके हैं, और बैंक निफ्टी में हमने तीन बार 31,000 पिछले डेढ़ महीने में टेस्ट किया है और उधर से एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला है, तो मेरा मानना है कि इस बार भी अगर 31,000 के ऊपर हम आज की क्लोजिंग देते हैं तो एक फर्स्ट साइन रहेगा जहां पे बॉटमिंग आउट की एक फर्स्ट साइन देखने को मिलेगी, तो मैं थोड़ी सी राह देखना चाहूंगा कि 31,000 के ऊपर क्लोज हो रहा है कि नहीं, पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि नीचे से मोमेंटम आ रही है क्योंकि कोटक बैंक एक अच्छा कंट्रीब्यूटर निकल के आ रहा है। किरण जी बहुत दिनों बाद रेपको होम फाइनेंस वापस आया है चार्ट्स पर भी और लोगों के जहन में भी, एक टाइम पे ये भी एक FNO स्टॉक हुआ करता था। बिल्कुल बहुत दिनों के बाद ये स्टॉक ने एक इम्पोर्टेंट लेवल तोड़ दी है और वो लेवल है 340, तो 346 पे ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए, 335 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए जो पैटर्न बना है वो करीबन पैटर्न का टारगेट आता है करीबन 400 का, तो 400 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस बनाए, स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, रिवर्ड्स काफी अच्छे, रिस्क टू रिवर्ड रेशियो जो प्रोफाइल में होता है वो बहुत बढ़िया बाय कॉल कहलाता है। एंड फिन होम्स पर नजर डालते हैं, काफी समय से इसमें आपको जबरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है, लगभग 71 रुपए ऊपर 460-475 के आसपास इसमें प्राइसिंग चल रही है। किरण जी कुछ रिव्यू करेंगे आप इसमें स्टैटिस्टिक्स, नंबर, स्टॉप लॉस और टारगेट? कैंफिन होम्स में मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस अभी 442 करेंगे, पहले मेरा स्टॉप लॉस 425-426 का था, अभी 442 करेंगे और टारगेट पहले सर्किट तो लगेगा ही अभी, और फिर कल के लिए अगर मैं अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो आता है करीबन 489 का, तो 489 सेकंड टारगेट रहेगा, दूसरा 500 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जी किरण जी सब कुछ छोड़िए, आपका पसंदीदा शेयर CDSL, बाकी आपके ऊपर। CDSL पिछले बार भी हमने परफेक्ट लेवल से पकड़ा था, आज भी वही लेवल है और मेरा मानना है कि उसी तरह का लेवल है, 270 का स्टॉप लॉस रहेगा, 277 पे ट्रेड कर रहा है और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि ये लेवल आपको देखने को मिलेगी, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो आती है करीबन 300 के करीब, तो 300 के टारगेट्स मान के चलने चाहिए। मेंट स्पेस की जरा बात और करते हैं क्योंकि यहां पर आपको एक अच्छा वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दिख रहा है। किरण जी आपके लिए प्रस्तुत है अंबुजा सीमेंट, 5% ओपन इंटरेस्ट और दिन का उच्चतम लेवल लगभग 1% ऊपर, क्या कीजिएगा?
देखिए अंबुजा सीमेंट उसके साथ अल्ट्राटेक ये भी एक काउंटर है जहां पे नजर रखनी चाहिए। अंबुजा सीमेंट पे मेरा मानना है कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 214-215 वो टारगेट मान के चलने चाहिए। आपका 207 पे ट्रेड रहेगा, पर दोनों में अगर कंपेयर करें तो मुझे अल्ट्राटेक सीमेंट ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट लेवल 4500 जो की साइकोलॉजिकल लेवल है वो उसने क्रॉस की और ये जो कंसल्टेशन है उसके एवरेज हाइज को अभी क्रॉस करता नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि आप इधर से और करीबन 80 रुपए का मूव बिल्कुल देखने को मिल जाना चाहिए। मेरा टारगेट रहेगा 45-80-90 का और स्टॉप लॉसेस 4500 के नीचे रखने चाहिए। किरण जी ये प्रश्न आपसे है, अगर नतीजों के अनुमानित आपको नंबर्स आते हुए दिखे एलएनटी पर तो आप इसमें कोई पोजिशनल राय रखते हैं क्या? एलएनटी पे देखिए चार्ट पैटर्न उतना खास देखने को नहीं मिल रहा है, पर हमने जो बॉटम बनाए हैं करीबन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से, अगर वो सारे के बॉटम सब ट्रेंड लाइन से ज्वाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू करीबन 1295 के करीब आती है। तो मेरा मानना है जब तक ये इस लेवल के ऊपर है तब तक एक उम्मीद है कि ये 1340 तक जा सकता है, पर अभी के लिए इसमें कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है तो मैं इसको अवॉइड कैटेगरी के लिस्ट में डाल दिया है इसको। बिल्कुल, लेकिन जो ब्रेकआउट हमने पकड़े थे वहां पर आपको मैं दोबारा आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। किरण जी ध्यान दीजिए AIA इंजीनियरिंग पर, किस हिसाब से आपको जबरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है। वो स्टॉक फिलहाल 1794 रुपए के आसपास चल रहा है और उसके बाद CDSL पर नजर डालेंगे जहां पर आपको लगभग 283 रुपए का प्राइस आता हुआ दिखेगा। देखिए ये 1800 रुपए आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। किरण जी अब क्या राय रखेंगे? देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, इसको बेचने की बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, बल्कि अभी भी बाय करना है तो बाय कर सकते हैं, कोई महंगा नहीं हुआ है। आपको लगता है कि करीबन 1700 से 1800 हो गया, पर वो बहुत कम परसेंटेज मूव हमने अभी देखा है। जैसे मैंने कहा 2400 के टारगेट्स तो इधर से काफी दूर है और वो बेयर मिनिमम टारगेट्स है, उसके बाद उसी स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ये होल्ड करके चलना चाहिए। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 1740 का। और ऐसे एक और स्टॉक जो हाईलाइट करा गया था वो था CDSL जी, उसका स्टॉक भी जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। वो ऑलमोस्ट 3.5-4% के उछाल के साथ 282-283 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ जहां से पकड़ा था वहां से देखिए उसके बाद से किस तरह का उछाल इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में किरण एक बार रिविजिट करा जाए, CDSL क्या कॉल होगा सर? इधर भी होल्ड करके ही चलना चाहिए। CDSL में मेरा मानना है कि जो पैटर्न है वो बहुत स्ट्रांग है और पिछले चार दिनों का जो टॉप्स है वो भी आज अभी निकलता नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि जो मैंने पहले टारगेट्स दिए थे वो 300 के वो बिल्कुल हासिल होते नजर आएंगे, वो 300 के करीब के फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे, उधर रिव्यू लेने की सलाह है। और फिर नेक्स्ट टारगेट जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो जो टारगेट मान के चलना चाहिए वो है 340। तो पहले 300 और दूसरे 340 के टारगेट्स आपको जरूर स्टॉक में देखने को मिलेंगे। चलिए 300 का लक्ष्य सबसे पहले आपको CDSL में आता हुआ दिखेगा। इनके जितने जबरदस्त ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स हैं कि अगर आप उसका आंकड़ा देखें तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो ज़बरदस्त ब्रेकआउट्स, ज़बरदस्त वॉल्यूम और डिलीवरी पैटर्न्स मैंने बड़े दिनों से चेक नहीं किए CDSL पे, वो आज शाम को देख के आपको कल राय देंगे। लेकिन एक और ब्रेकआउट जो बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि एशियन पेंट्स के नतीजे आ रहे हैं, उनका सप्लायर कंपनी है सुदर्शन केमिकल। बिल्कुल, तो वो आप देखिए क्या बेहतरीन तरीके से फिलहाल 485 रुपए के आसपास चल रहा है, कैश का काउंटर है और लगभग 360,000 शेयर आपको सुदर्शन केमिकल्स में ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। किरण जी आपके लिए भी ये पसंदीदा स्टॉक रहा है, बहुत समय से आपने इसमें लंबी अवधि की कॉल दी है, बताइए अब क्या राय रखते हैं? फिलहाल अगस्त 2018 के हाईस पे चल रहा है, 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर और बेहतरीन प्राइस एक्शन और वॉल्यूम। और एक बात कहना चाहता हूँ शेल जी, ये तो चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा ही है पर ये पूना की कंपनी है तो बिल्कुल मेरी पसंदीदा कंपनी भी बनती है। और जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है मेरा मानना है कि ये इसका स्टॉप लॉस अभी 460 का रखना चाहिए, बिल्कुल ट्रेड करके चलना चाहिए। और अभी नेक्स्ट टारगेट जो इसका देखने को मिलेगा वो रहेगा फर्स्ट, ये रेजिस्टेंस है इधर बेचने की सलाह नहीं है, वो 509-510 का है, पर इवेंचुअली ये 575 तक जाने की ये दमखम रखता है, बिल्कुल होल्ड करके चले और बाय करके चलना चाहिए।
Yes. अच्छा ऐसी एक और स्टॉक कल चर्चा हुई थी आईआरबी इंफ्रा का काउंटर स्क्रीन्स पर लेकर आइएगा, कल गजब का डबल डिजिट गेन उस स्टॉक में देखने को मिला था, उसके बाद लगा था आज थकावट वाला दिन है, पर वापस लोअर लेवल से स्टॉक अब रिकवरी दिखाना शुरू कर चुका है आपकी स्क्रीन्स पर, कल के गजब के मूव के बाद 1.5% का और उछाल देखने को मिल रहा है। किरण क्विकली इसका चार्ट चेक। नाम सुना नहीं दिया। आईआरबी इंफ्रा, आपके पुणे बॉम्बे के एक्सप्रेस हाईवे को कुछ दिन पहले मैंने यही करता था सर जब आप बॉम्बे आते थे। बिल्कुल, पर चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है। मेरा मानना है कि इधर भी लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। 110 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 140 के लेवल आपको 3-4 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। हमारे साथ किरण जी जुड़े हुए हैं तो वो आपको एक एक कॉल देंगे कल के सत्र के लिए। किरण जी पहले आपकी बारी। देखिए मेरा मानना है कि अभी मार्केट थोड़े से डिफिकल्ट है तो मेरा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर फिर भी थोड़ा सा रिस्क लेके मैं बाय करने की सलाह दूंगा, वो है इंफ्राटेल। इंफ्राटेल बाय करने की सलाह है। मेरा स्टॉप लॉस 236 रहेगा, 242 पे ट्रेड कर रहा है, 250-255 के टारगेट्स आपको कल देखने को मिल जाने चाहिए। एक शॉर्ट कॉल भी है, एक शॉर्ट कॉल रहेगा टाटा मोटर्स में, 191 पे ट्रेड कर रहा है, आपका 195 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि आपको 187-185 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। एंटरटेनमेंट वो भी देखिएगा, 4% के आसपास के उछाल के पास मेंशन हुआ था, 5.5% के उछाल के साथ वो स्टॉक भी अपने रिजल्ट्स को अप्रोच कर रहा है, गजब का मूव इस स्टॉक में नंबर्स से पहले। किरण, नंबर से पहले कोई ट्रेड लेंगे या मूड थोड़ा सा बाजार का गड़बड़ वाला है तो इस तरह का एग्रेसिव बेट ना लिया जाए? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया वापस। जी एंटरटेनमेंट सर, नंबर्स आने वाले हैं आज बाजार बंद होने के बाद और स्टॉक एट डेज हाई ट्रेड कर रहा है। देखिए नंबर्स के पहले मेरा लॉन्ग पोजीशन से लेने की सलाह होगी क्योंकि अंडरकरंट काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है और स्टॉप लॉस रहेगा 278 का जो कि बहुत नजदीक है करंट लेवल से और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 296-298 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। जी पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट आपने जब राय दी थी लगभग 1622 था, अब इसमें आपको और 7-8 पॉइंट का तेजी आती हुई दिख रही है तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? बिल्कुल, और 1640 के टारगेट्स आपको कल जरूर देखने को मिल जाने चाहिए और ये मेरा पहला पड़ाव रहेगा। अभी मेरा स्टॉप लॉस अभी मैं बढ़ाना चाहूंगा, मैं अभी स्टॉप लॉस 1620 का करूंगा, 1640 पे रिव्यू लूंगा और 1640 अगर क्रॉस करता है तो फिर एक अच्छी खासी बड़ी मूव देखने मिलेगी जो कि 1670 तक ले जा सकती है। चलिए जैसे जैसे आप बात कर रहे हैं इसमें 2 रुपए और जुड़ चुके हैं, फिलहाल दिन के उच्चतम लेवल 1630.40 रुपए के आसपास फ्यूचर्स में आपको आता हुआ दिखेगा और कैश का भी प्राइस जो है वो आपको बिल्कुल वहीं आता हुआ दिख रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर ध्यान दीजिए, जो कल की वॉल्यूम थी वो फिलहाल अब क्रॉस होती हुई, प्राइस है आपके सामने लगभग 580 रुपए के आसपास। किरण जी कुछ राय यूनाइटेड स्पिरिट्स पर? यूनाइटेड स्पिरिट्स पे मेरा मानना है कि जो चार्ट पैटर्न है वो न्यूट्रल है, नीचे से एक अच्छा हमें डिमांड देखने को मिल रहा था, आज भी वो जारी है पर बीच बीच में वो वापस एक बार हमें ड्रॉप्स देखने को मिल रहे तो वो कन्विक्शन नहीं है। मेरा मानना है कि अगर कन्विक्शन आना है तो वो 495-600 के लेवल्स क्रॉस करना होगा। नीचे में मेरा मानना है कि बहुत अच्छा सपोर्ट 570 जो कि आज के लोज है उसके नजदीक है, तो अगर कोई किसी को लॉन्ग पोजीशंस करना है तो 570 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एक्युमुलेट करे, पर जो असली मूव है वो 595-600 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। किरण टाटा मोटर्स के बाद ये टाटा स्टील या M&M पे कोई कॉल है क्या? देखिए M&M पे बिल्कुल है, बिल्कुल आज एक गैप से नीचे खुला था और कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है, थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद एक नया लो बनाता जा रहा है, ये एक वीकनेस का संकेत है और वैसे भी सारे के सारे काउंटर्स वीक देखने को मिल रहे हैं ऑटो कंपनीज के। मारुति को भी देखिए, वो भी एक डेज लो के करीब ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो करीबन 542 का है तो 542 के लेवल्स आपको कल देखने को मिल जाने चाहिए M&M पे। और किरण जी आपको एक लंबी अवधि का पोजिशनल कॉल देंगे सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर, क्योंकि एक ये अब उस तरीके का स्टॉक नहीं रहा जो पहले था वॉलेटिलिटी में और अब ये शांत स्वभाव की कंपनी है जो कि धीरे धीरे बढ़ती है, बाकी किरण जी बेहतर बता पाएंगे।
देखिए आज बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिला है, 348-350 का ब्रेकआउट लेवल था और तब से कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है और मेरा मानना है कि जो चार्ट पैटर्न है वो अभी पोजिशनली अगर रखते हैं तो मेरा मानना है कि 630 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए, एक महीने का वक्त देना चाहिए, 630 के लेवल्स जरूर स्टॉक में देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए किरण, जाने से पहले आपने कहा था क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, फाइनली जो क्लोजिंग का आंकड़ा है 12170, क्या मूड बन रहा है सर निफ्टी को लेकर? थोड़ा सा नेगेटिव है, नेगेटिव बायस रहेगा, क्लोजिंग डेज लो पे हुई है तो ये अच्छे संकेत नहीं है। मेरा मानना है कि जब तक हम 12,200 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देखते तब तक हम थोड़े से मंदिरों का हाथ हेवी देखने को मिलेगा।